हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर थ्रीडिंग एग्जैक्ट अश्मी राहुल शट। चौंकिए मत, ये मैंने अभी अरबिक बोली है। अरबिक में मेरा नाम राहुल जेतल है और अरबिक में मैं कहूँगा अश्मी राहुल शट। अभी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे ये मैंने अपना नाम लिखा है इसके अंदर, इसको अगर मान लो इंग्लिश में तो मुझे हमें पता ही है, हम ऐसे टाइप करते हैं। सच एस हमने, आप भी, आप इंडिया में बैठे हो, अपने आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करना है, अपने यहाँ पे अरबिक में टाइप करना है, तो आप कैसे टाइप करोगे? उसके लिए आपको प्रोसेस बताऊंगा आज। सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपका मशीन का पासवर्ड है। सच एस मेरी मशीन का 2222 है, जब 1234 होगा, दोनों में से एक लगेगा आपकी मशीन को, अगर कुछ और ना तो अगला होगा। उसके बाद आपने एक ऑप्शन में जाना है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के अंदर फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आएगा सेट एडिटर फॉन्ट ग्रुप। उसके अंदर आपने सबसे पहले ऑप्शन एडिटर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना है, और यूरोपियन के अंदर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, यूरोपियन पहले यूरोपियन कर लेना, दूसरे में अरबिक, इसको ओके करना है। ये बोल रहा है कि प्लीज पावर ऑफ द साइकिल, मतलब कि प्रिंटर को ऑफ करना। अभी कंटिन्यू को ऑफ करा हमने, प्रिंटर को बंद करेंगे, फिर प्रिंटर दोबारा चालू करेंगे। उसके बाद अभी वेट करेंगे कि प्रिंटर चल पड़े। तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दिया करो, मेरी वीडियो शेयर करके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है मैं हैंडी प्रिंटर्स को भी प्रमोट कर रहा हूँ साथ ही साथ, आपकी मैं इतनी मदद करता हूँ, मेरा भी अधिकार है आप मेरी कुछ मदद करें। अभी मैं दोबारा से मशीन का पासवर्ड डालूंगा 2222। वो कॉन्फ़िगर वाला हमने कर लिया, अभी एडिट में जाएंगे। एडिटर में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट कीबोर्ड टाइप, ये देखो सेट कीबोर्ड टाइप में एंटर करना है। इसमें ऑप्शन का आएगा अरबिक का, एंटर करना है। अभी आपका अरबिक फॉन्ट कन्वर्ट हो गया। अभी जो सामने मैंने राहुल लिखा है, वही राहुल मैं अपना अरबिक में लिखूंगा। अभी ये देखना, नहीं लिख हुआ, इसको काट के अभी अरबिक में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, FN का बटन दबाना है। जैसे दबाओगे वहां पे ब्लू कैप्स के आगे अरबिक लिखा होगा, यहाँ पे देखना, अभी देखना अरबिक लिखी आएगी। मुझे तो अरबिक आती नहीं है, अगर आपको आती है तो भाई पढ़ लो क्या लिखा है। मेरे हिसाब से ये राहुल ही लिखा होगा। अभी आपको मैं थोड़ी देर में अभी इसको स्कैन करके भी दिखा दूंगा ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये राहुल है, अगर आपको मेरे से या मेरे फ्रेंड से अरबिक में मैसेज बनवाना हो, कुछ ज्यादा बड़ा मैसेज हो आपका, आपको अरबिक नहीं आती पर मेरे फ्रेंड को आती है जो इजिप्ट में बैठे हैं, जिनको अरबिक कंट्रीज में बैठे हैं सच एस, उनको अरबिक आती है, तो वो बना देंगे मैसेज अगर आप मुझे कहोगे, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। अगर आपको अरबिक आती है तो आप इस मेथड से अरबिक में कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। मैसेज हमारा सेव हो गया, अभी ये देख लो, अभी करते हैं प्रिंटर को चालू। तो मैंने प्रिंटर अभी चालू होने के लिए लगा दिया है, मेकअप नहीं था तो मैंने थोड़ा ट्रैक स्टार्ट करा है इसको, देखते हैं स्टार्ट होता है नहीं होता है। इसको कटर बोलते हैं, या आपका चार्ज प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड्स है, नोजल है, ये नोजल की वायर होती है, इसको पंगा मत लेना, ये माल मॉड्यूल होता है पीछे इसके, बाकी सारी जानकारी तो आपको होगी। इसको क्या क्या बोलते हैं, नोजल फ्लश के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी पेड मेंबरशिप भी ले सकते हो, जहाँ एडवांस ट्रेनिंग सर्विस में आपको मैं मशीन के काफी सारे फंक्शन बता सकता हूँ, जो मैं आपको ओपनली यूट्यूब पे डाल के नहीं बताता।
सचेस अगर किसी ने अलाइनमेंट सीखनी हो या कुछ क्रिटिकल ऐसा फंक्शन हो जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है उस चीज़ की। अभी प्रिंटर रेडी है तो देखते हैं मशीन के पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं। एक्चुअल वेलोसिटी तो अभी 2.52 के आसपास आ रही है, इसका मतलब इंक तो पतली है। मॉडरेशन वोल्टेज 135 पे आ रहा है, ठीक है चलेगा इतना तो। मैंने फिक्स कर रखा है इसको, वैसे भी ये हिलेगा नहीं। अब ये फिक्स कैसे किया उसका भी एडवांस ट्रेनिंग में पार्ट है, वो भी नहीं आपको मैं बताऊंगा। अभी इसको देखते हैं प्रिंटिंग करके, इसको घुमाते हैं कैमरे को, लॉक करते हैं प्रिंट इसको। कवर लगा दिया हमने, कवर के बिना प्रिंट इनेबल मत किया करो, अदरवाइज प्रिंट इनेबल होगा ही नहीं। ये आया प्रिंट अनेबल, प्रिंट नहीं आया, कंटिन्यूस प्रिंट पे लगाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए अगर आप देख सकते हैं तो ये अभी प्रिंटिंग कर रहा है। तो याद रखना कि अरबिक में हमेशा नाम उल्टा पढ़ा जाएगा, अरबिक उल्टा शुरू होता है। अगर राहुल ऐसे लिखा है लेफ्ट टू राइट आएगा, अरबिक में कैसे पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। तो अगर राहुल पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, ये राहुल लिखा है वैसे अरबिक में। अरबिक में राहुल को राहुल नहीं बोलते, उसको बोलते रावल, रावल शटल। अश्मी, अश्मी मीन्स माई नेम। थोड़ी सी अरबिक सीखी है बस, मैसेज वीडियो बनाने के चक्कर में आपके लिए। ये सामने ये अरबिक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है। चलिए वापस आते हैं प्रिंटर के ऊपर, ये वाला। अभी सचेस हमने कुछ और लिखना है, अभी और एक बात का ध्यान रखना। जैसे हम एबीसी में क्या करते हैं, यहां से बैक स्पेस दबाते हैं, इसमें ये नहीं होता, इसमें आगे आके बैक स्पेस दबानी है तो डिलीट होगा, क्योंकि ये उल्टा सिस्टम हो गया। अभी इसमें वापस इंग्लिश में लाने के लिए वही एफ एन वाला बटन दबाना है और उसको सेव कर लेना है मैसेज को। फॉन्ट की टाइप तो आपको पता ही है कि फॉन्ट की हाइट आप कम ज्यादा बड़ी कर सकते हो F1 के बटन से। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी भाई एंटी प्रिंटर वाली वीडियोस शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो ये सामने मेरी कंपनी के दोनों हैंडी प्रिंटर्स है, ये हैवी ड्यूटी मॉडल है, ये आपका मीडियम क्वालिटी वाला है। इसकी प्रिंटिंग भी सीआईजी प्रिंटिंग जैसी आती है, बस कॉस्टिंग में ये कम कीमत के आते हैं। दोनों दिखने में बॉडी वाइज सेम है, बट ये आपका हैवी ड्यूटी में है, ये आपका बजट फ्रेंडली प्रिंटर है। इसकी कॉस्ट और प्राइस जानने के लिए वीडियो में लिंक नीचे दे रखे हैं, दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएगा डिटेल्स। बाकी प्लीज आप मेरी शेयर लाइक कर देना। और एक मैं दूसरा चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश वाली वीडियोस डालूंगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो कर देना, उसका लिंक मैं आपको जल्दी वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। शुक्रिया दोस्तों।